बिहार के दरभंगा में प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने के बाद अब गांव वालों ने खुद ही अपने गांव को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ जगहों पर तो गांव वाले पानी को घरों में घुसने से रोकने के लिए बांस और बोरी की मदद से बांध के पास दीवार खड़ी करने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि लोगों को कम ही भरोसा है कि उनकी इस कोशिश से उनके घर बच पाएंगे, लेकिन उन्हें अब प्रशासन से ज्यादा भगवान पर भरोसा है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर नदी के पानी ने सड़क तोड़ दी तो पूरा का पूरा गांव ही बह जाएगा। प्रेम कुमार जो मंत्री है बिहार सरकार का, वो देख के पानी गए, यहाँ पानी है, फिर भी वो एक सेकंड इधर देखे नहीं, रुके नहीं। अगर वो रुकते, प्रशासन को इन्फॉर्म करता तो हम लोग की आज ये जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो घर से फिर हम लोग को दूसरे जगह पलायन करना होगा। देखिए, हम लोग प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान भरोसे है। जब कोई देखने वाला नहीं है सर, यहाँ न प्रशासन है न कोई है, कोई सुन लेने वाला नहीं है, तो भगवान भरोसे है। लगा कि पांच आदमी प्रभावित हो जाएगा, पांच आदमी से प्रभावित होगा, पूरा गांव प्रभावित हो जाएगा, एपी आदमी नहीं बच पाएगा इसमें। सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर पार्षदों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कुछ पार्षदों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर डेंगू समेत दूसरी बीमारियों से निपटने के लिए फंड नहीं देने का आरोप लगाया। हमने जो है 1000 के करीब हमने फंड मांगा था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। रेल मंत्री पीयूष गोयल की कार के संसद भवन के अंदर जाते वक्त अचानक मेन गेट का अलार्म बजने से सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो गए, जिसके बाद पीयूष गोयल को पैदल अंदर जाना पड़ा। यूपी के बाराबंकी में गुस्साई भीड़ ने मोबाइल चोरी के आरोप लगाते हुए एक आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, आपस में मारपीट हुई, बाद में एक व्यक्ति उसकी डेथ हो गई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बारिश नहीं होने से धान की रोपाई कर चुके किसानों की मुश्किल बढ़ गई। थोड़ी बहुत जो पानी गिरा है उससे खेती का काम मध्यम गति से चल रहा है। यूपी के आगरा में एक बुजुर्ग दंपति ने मामूली विवाद में अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। मेरे को मारने लगे, मेरे मारने का मेरा आदमी बचाने आया तो मेरे आदमी को भी मारा है। बिहार के बगहा में कांग्रेस नेता मोहम्मद फखरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। देखा उनकी सिचुएशन ही नहीं, वो देश की कंडीशन देश की। इंग्लैंड में एक समारोह के दौरान सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर सम्मानित किया, जिसके बाद वो ये सम्मान पाने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर बन गए। सूडान में सैनिक शासन के खिलाफ लोगों ने अपना विरोध और तेज कर दिया। ऋषि कपूर की फिल्म झूठा कहीं का रिलीज हो गई। सामने पुआ जा रोमांस करना।